आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट एंड सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट डेटा रॉ फैक्ट्स और फिगर्स इनपुट इज़ द डेटा दैट इज फेड इनटू द कंप्यूटर बाय द यूजर डेटा हम लोग कंप्यूटर में किसी भी इनपुट डिवाइस के हेल्प से डालते हैं और उसी डेटा पे प्रोसेस होता है काम होता है और लास्ट में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है प्रोसेस एक्चुअल जॉब परफॉर्म्ड ऑन द रॉ डेटा प्रोसेसिंग रेफर्स टू द सीरीज ऑफ एक्शन बाय विच द कंप्यूटर कन्वर्ट्स रॉ डेटा इन टू Processing of data is done inside the CPU. Information is the result produced by the computer in the form of output. Output is the result which is termed as information. हम जैसे डेटा का एग्जाम्पल ले सकते हैं नंबर्स हो सकता है स्टूडेंट का मार्क्स हो सकता है प्रोसेस का मतलब होता है उस डेटा के ऊपर काम क्या हो रहा है या जो काम उस डेटा पे होता है और लास्ट में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कहलाता है इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एल्गोरिदम फ्लो चार्ट कोडिंग ऑफ प्रोग्राम एल्गोरिदम एन एल्गोरिदम इज़ अ पेपर वर्क डेटा प्रोग्रामर प्लान फॉर द सॉल्यूशन ऑफ़ अ प्रॉब्लम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम कंप्यूटर में एल्गोरिदम का उपयोग किसी प्रोग्राम के लॉजिक को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है एल्गोरिदम दी गई समस्या के समाधान पर पहुंचने का तरीका हो सकता है जिसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि यदि उसमें दी गई कमांड को उसी क्रम में फॉलो किया जाए तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकता है फ्लो चार्ट अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम प्रोसेस और वर्क फ्लो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम A flowchart is a type of diagram that represent an algorithm workflow or process. The flowchart shows the steps as boxes of various kinds and they are ordered by connecting the boxes with arrow. Kaha jata hai a picture is worth a thousand words. So it is a graphical representation of algorithm. यानी फ्लोचार्ट एल्गोरिदम का ग्राफिकल कन्वर्जन होता है सम कॉमन सिम्बॉल्स दैट आर यूज टू ड्रॉ फ्लोचार्ट आर टर्मिनल सिंबॉल इनपुट आउटपुट सिंबल प्रोसेस सिंबल एरोज और फ्लो लाइन्स डिसीजन सिंबॉल कनेक्टर सिंबॉल टर्मिनल सिंबॉल दिस इज एलिप्टिकल इनसेप इट इज यूज

स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्मिनल सिम्बॉल और एंड भी करते हैं टर्मिनल सिंबॉल से इनपुट आउटपुट सिम्बॉल दिस सिम्बॉल इज पैरलोग्राम इन शेप इट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द इनपुट एंड द आउटपुट इट इज यूजअली सिग्निफाइड बाई वर्कस लाइक इनपुट रीड प्रिंट इन साइड इट अलॉन्ग विद द डेटा टू बी फेड और रिजल्ट प्रोड्यूस्ड किसी भी इनपुट या आउटपुट हम करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट सिंबल प्रोसेस सिंबल दिस सिंबल इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप इट इज़ यूज टू इंडिकेट द प्रोसेसिंग दिस सिंबल इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसिंग बॉक्स इट इज़ यूज टू इंडिकेट द प्रोसेसिंग और द कैलकुलेशन टू बी डन एरोज़ और फ्लो लाइन्स एरोज लाइन्स आर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट सिम्बॉल्स ऑफ अ फ्लो चार्ट और फ्लो लाइन के द्वारा हम फ्लो चार्ट चार्ट के फ्लो का डायरेक्शन भी बताया जाता है अर्थात यह दिशा भी बताता है डिसीजन सिम्बॉल दिस सिम्बॉल इज़ डायमंड इन शेप इट इज़ यूज इन अ सिचुएशन वैन अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड दिस सिम्बोलाटा इज़ डायमंड इन शेप इट इज़ यूज इन अचुएशन वैन अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड इन केस ऑफ टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिवस फॉर द सल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इसका इसमें एक इनपुट जाता है और इससे दो आउटपुट हमारा निकलता है तो वो या आउटपुट हमारा या तो यस में निकलेगा या फिर नो no, या ट्रू या फॉल्स जिसे हम कह सकते हैं कनेक्टर सिंबल दिस सिंबल लुक लाइक ए नरो विथ अ सर्कल अटैच टू इट्स टेल द कनेक्टर इंडिकेट्स दैट टू पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट आर लिंक्ड जब फ्लो चार्ट हमारे एक पेज से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम फ्लो चार्ट को एक से ज़्यादा पेज में बनाते हैं तो उसे कनेक्टर के द्वारा हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं फ्लो चार्ट को बनाने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्राम लेफ़्ट टू राइट टॉप से बॉटम तक हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं या फिर लेफ्ट से राइट right की तरफ सिम्बॉल्स जो हैं वो एरो के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं क्रॉसिंग फ्लो लाइन्स नहीं अलाउड uh, होता है और एक फ्लो लाइन एंटर करता है डिसीज़न सिंबल में लेकिन दो फ्लो लाइन एग्जिट करता है डिसीज़न सिंबल से और जब फ्लो चार्ट बड़ा हो जाता है एक सिंगल पेज से तो वो कनेक्टेड सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं